हेलो एवरीवन, मैं अतुल ढीका गुरु मंत्रा इंस्टीट्यूट से। आज का वीडियो है साइंटिफिक नेम्स, जो वैज्ञानिक नाम्स होते हैं जो भी पशुओं के फूल, पेड़, पौधे या फिर सब्जियां, इनके जो साइंटिफिक नाम्स होते हैं। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन इनसे रिपीट होता है हर बार, हर सेट में, हर दिन, हर शिफ्ट में। सो दिस वीडियो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वो सारे क्वेश्चंस पिक किए हैं जो पिछले साल में आए हुए हैं, और एंड में मैंने लिस्ट भी दी है जो नहीं आए हुए हैं, जो आने की संभावना भी है, तो वो भी आप कवर कर लीजिए। और इसमें एक ट्रिक, दो ट्रिक है मेन, वो भी मैं समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट आज का जो वीडियो है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली डराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। भाई, किस भाषा से, कौन सी भाषा है जिससे ये बायोलॉजिकल जो नाम मिलते हैं ये मेनली निकले हैं? ये फ्रांस फ्रेंच से निकले हैं, लैटिन से निकले हैं, मैक्सिकन से निकले हैं, जर्मन से निकले हैं? इसका आंसर है लैटिन, मेनली लैटिन भाषा से सारे नाम आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब देखिए, ह्यूमन जो आम ह्यूमन बींग है उसका जो साइंटिफिक नेम पूछा, क्या वो होमो नेग्रम है, क्या वो मेलोनजन सेपियंस है, क्या वो होमो सेपियंस है, क्या वो टिगरिस सोलानम है? अब देखिए, होमो सेपियंस का आंसर है मेनली, तो आपको ये याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत सारे पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, सीडियम गुआवा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। इससे पहले कि हम क्वेश्चन शुरू करें, इसका आंसर शुरू करें, मैं साइंटिफिक नेम के दो ट्रिक बताता हूँ आपको। एक तो पहला ट्रिक है, एक तो जो साइंटिफिक नाम है उस नाम में ही ट्रिक छुपा होता है। जैसे इसमें गुआजावा, इसमें गुआवा का साउंड आ रहा है, तो मेनली इसका आंसर तो गुआवा ही है, अमरूद का साइंटिफिक नाम है। तो एक तो जो उसमें नाम में ही साउंड छुपा होता है उसका, कि क्या साउंड कर रहा है। दूसरा जो ट्रिक होता है, जो हमारे मेनली जो कुछ जिनमें साउंड ना आएगा उनमें क्या आएगा कि आपका उसका अलग तरीके से नाम यूज किया होगा। अब जैसे राशि फल होता है मेनली, जैसे मान लीजिए लियो को हम सिंह बोलते हैं, तो सिंह वाले यानी लायन, तो लायन वाले में आपको लियो मिल जाएगा उसके ऑप्शन में। इसी तरह एरीज अगर बोलते हैं, एरीज होता है जो मेष राशि होती है, उसमें वो मेढा होता है मेनली ना, तो वो उसका नाम हो जाता है। तो ये दो छोटे से जो ट्रिक मैंने बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिल्कुल पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, सो दिस विल बिकम मोर इजियर फॉर यू। तो जैसे अब मैंने बताया था, पहला इजियर है, आप पहले क्वेश्चन मेरे साथ साउंड करते जाइए, जिसमें जिसका नाम का साउंड आ रहा हो वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फीडियम गुआजावा साउंड आंसर है क्वावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरी का पपाया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। अब देखिए, बहुत इजी है, पपाया यहाँ पे आ चुका है। अब हमें ऑप्शन में पता है, पपाया है, टैमरिंड है, ड्रम है, टैमरिंड होता है इमली, आपको बता दूं, इसका भी आगे आएगा। अब इसका ऑन कैरी का पपाया का आंसर है पपाया, बहुत इजी है। अब यह है, अब एक और कोशिश कीजिए कि इनफैक्ट मैंने इस वीडियो में कवर भी कर लिया कि जो पीपल है या ड्रम स्टिक है या टैमरिंड है, जो ऑप्शन में और आपको तीन चार ऑप्शन दिए होते हैं, कोशिश करो कि उनका भी नाम आप खुद सर्च कर लो। अगर इस वीडियो से नहीं मिलता है तो गूगल से सर्च कर लो, मोस्टली तो इस वीडियो में लिस्ट दी हुई है जो आप कवर कर लोगे सारी की सारी। लेट्स मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर टू कैरपस इंटेग्रा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। अब देखिए, आर टू कैरपस इंटेग्रा का है, वो गुआवा का है, वो पाइनएप्पल का है, सिल्वर ओक का है, जैक फ्रूट का है। अब अगर आप वीडियो फॉलो करते चलेंगे तो आपको ये पता धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, इसी वीडियो में आपको रिमेम्बर भी हो जाएगा। तो गुआवा का तो नहीं है, हमने कर लिया है अभी, शायद तीन अट्ठे हमारे पास, अब हम स्ट्राइक आउट कर सकते हैं कि तीन ऑप्शन हैं, सिल्वर ओक, जैक फ्रूट या पाइनएप्पल। इसका आंसर देखिए, आर टू कैरपस इंटीग्रा है वो जैक फ्रूट। अब जैक फ्रूट में बता देता हूँ, जो कटहल होती है उसको बोलते हैं हम जैक फ्रूट, और कटहल से साउंड आपका आएगा ऑटो, ऑटो का, तो ये कटहल का साउंड यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं, इस तरह से याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविलिया रोबस्टा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। ग्रेविलिया रोबस्टा किसका है, वो पीपल का है, टीक का है, सिल्वर ओक का है, जैक फ्रूट का है? अब देखिए, जैक फ्रूट का तो है नहीं अभी हमने देखा है, क्या वो पीपल का है, क्या वो टीक है, क्या वो सिल्वर ओक है? टीक होता है साल की, साल के वन होते हैं, लकड़ियां उसमें होती हैं। इसका आंसर है सिल्वर ओक, तो ग्रेविलिया रोबस्टा है सिल्वर ओक। अब ये तीसरा तरह का ऑप्शन है जो मैंने बताया था, पहला एक में तो जो साउंड आएगी आपको पता चल जाएगा कि क्या
इस का साउंड आ रहा है उसमें नाम में, दूसरा मैंने बताया था जो किसी और तरह से उनका नाम यूज होता है, और थर्ड ऐसे हैं जो आपको मेनली याद करने होंगे, तो सिल्वर ओक का ग्रेविलिया रोबस्टा है, ये आपको याद ही करना होगा। नेक्स्ट है बैम्बूसा डेंड्रोकैल्मस, ये इसका नाम है बैम्बूसा डेंड्रोकैल्मस। अब देखिए बैम्बूसा अगर आपको बनियान का है या पपाया का है या बैम्बू का है या पोमग्रेनेट का है, पोमग्रेनेट अनार होता है, बैम्बू मतलब होता है आपका जो बांस, तो बांस का पेड़ इसमें साउंड आ ही रहा है ऑलरेडी, तो बैम्बूसा डेंड्रोकैल्मस है बैम्बू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिनोक्स जुबाटुस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, जो एसिनोनिक्स जुबाटुस का है ये बियर का है मतलब भालू का है, हॉर्स का है, घोड़े का है, चीता का है, जेब्रा का है। अब इसका आंसर है एसिनोनिक्स जुबाटुस। अब देखिए इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है तो ये आपको याद करना होगा, चीता का जो नाम है वो एसिनोनिक्स जुबाटुस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूनिका ग्रैंडटम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, प्यूनिका ग्रैंडटम ये किसका साइंटिफिक नाम है, कस्टर्ड एप्पल का है या वो गुलमोहर का है, क्या वो सिल्वर ओक का है या पोमग्रेनेट का है। अब अगर आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन के आंसर्स तो पॉज करके अपने आंसर जरूर लिखिए सो दैट आपको पता चल जाएगी कितने आपके ठीक भी हो रहे हैं। नेक्स्ट इसका आंसर है पोमग्रेनेट, अनार का नाम है वो प्यूनिका ग्रैंडटम है। अब आपको मैंने बताया था इसमें साउंड किसका आ रहा है, देखिए पॉम ग्रेनेट का है, यहाँ पे ग्रेनेट टिम है, और PU से पॉम ग्रेनेट, अगर पूरा इसको एक साथ पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, प्यूनिका ग्रेनेटम होता है पॉम ग्रेनेट का, यहाँ पे इजीली कैप्चर हो गया ये साउंड। नेक्स्ट है टैमरिंडस इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, नीम का है, पाइनएप्पल का है, टैमरिंड का है या चीकू का है। अब इसमें बहुत आसान है, टैमरिंड का साउंड आ रहा है तो टैमरिंड, टैमरिंड मैंने बताया था इमली, इमली का साइंटिफिक नेम है टैमरिंडस इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वस कैबुलस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, इक्वस कैबुलस हॉर्स का है, जिब्रा का है, डंकी का है, बुफेलो का है। अब देखिए इसका आंसर तो है हॉर्स, ठीक है ये आसान है। अब आप सोचेंगे ये साउंड कैसे मैच हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हॉर्स होते हैं, अश्व जो होते हैं या इस पे तीन रिलेटेड होते हैं, तो घोड़ा होता है, एक आपका गधा होता है और एक खच्चर होता है ना, इक्वाइन बोलते हैं इनको, EQUINE इंग्लिश में, जो अश्व इनको जो प्रजाति होती है मेनली। अब जैसे इक्वाइन रिसर्च सेंटर है वो हिसार में है हरियाणा में, ये मैंने पहले भी बताया था एक बार, अगर आप हिसार हरियाणा में, ये इसका सेंटर है। इक्वाइन से EQ से ये आपको याद हो जाएगा। आप तीनों देखिए इससे रिलेटेड जो आगे भी आएंगे शायद वो भी इक्वाइन इसी से ही आएगा। इसका नाम इक्वस कैबुलस का है घोड़ा का जो साइंटिफिक नाम है, इससे आपको इक्वाइन से याद हो जाएगा, इक्वाइन की हिंदी अगर आप देखेंगे तो। फिर है टेक्टोना ग्रैंडिस लिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, टेक्टोना ग्रैंडिस लिन किसका साइंटिफिक नाम है, ये गुआवा का है, ये टीक का है, ये आमला का है, चीको, गुआवा का तो नहीं है ठीक है, ये हमने देख लिया है, ये है टीक का। अब टीक से, अब मैं वही बात करता हूँ फिर से कि टीक से टेक्टोना ग्रैंडिस, टीक का साउंड इसमें टी का साउंड आ रहा है, तो ये यहाँ से मैच हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट है डेलोनिक्स रेगिया रैफिन, डेलोनिक्स रेगिया रैफिन किसका नाम है, क्या ये बनियान का है, बनियान होता है बरगद का पेड़, गुलमोहर आपको पता ही है, और टैमरिंड इमली है, चीकू है, ये किसका नाम है। अब देखिए इसमें अगर साउंड आ रहा है तो देख लीजिए, नहीं आ रहा है तो पता चल जाएगा, टेलोनिक्स रेगमा है गुलमोहर का। फिर इलापीडिये नाजा इस, या नाजा नहीं बोलेंगे, नया बोलेंगे जो भी है, साउंड जे साइलेंट हो जाएगा, इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, कोबरा का है, एलिफेंट का है, ईगल का है या ओवल का है, इलापीडियो नाया ये है कोबरा का, कोबरा का आंसर है एलेपीडियो नाया। अब अगर आपको ये याद नहीं हो रहे हैं तो इसमें आप कुछ लॉजिक भी लगा सकते हैं, नाया से नाग बन सकता है, उसका साउंड आ सकता है, तो एलेपीडियो नाग वहां हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करिए कि एलिफेंट का, ईगल का और आउल का, या तो एंड में इसमें जो लिस्ट में से देख लीजिए या फिर खुद गूगल सर्च करके इनके नाम पता करिए, क्योंकि SSC CGL मेनली क्या करता है कि एक शिफ्ट में अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो दूसरी शिफ्ट में या उसी नेक्स्ट डे में वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सेम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फिर इक्वस एसुनस इज द साइंटिफिक नेम। अब इक्वस वही साउंड आया, मैंने बताया था इक्वाइंस आएगा। अब इक्वनस एसुनस, क्या ये डंकी का है मतलब गधे का है, या काऊ का है, डियर का है, या कैंगरू का है। अब इक्वन से रिलेटेड हो गया तो ये देखिए, या तो होगा तो मेनली इन्हीं, मैंने बताया था नाम हॉर्स है, मेयर है, या डंकी है, मेनली डंकी इसका है। अब ये आंसर कैसे याद होगा, आपको पता होगा कि डंकी को एक और नाम से जो सिनोनिम है इसका एस होता है, गधा। तो यहाँ पे इक्वन एसुनस, एसुनस का यहाँ साउंड आ रहा है, वो याद हो जाएगा इजिली यहाँ से, इसका आंसर है डंकी। नेक्स्ट है फिकुअस बैंगलिनिसिस। फिकुअस बैंगलिनिसिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। अब इसमें नाम देखिए, अगर पढ़ेंगे तो आपको एक बार इजिली साइंस साउंड भी आ जाएगा इसमें, इसका आंसर है बनियान। बैंगलिनिसिस से साउंड आ रहा था बनियान का, बरगद इसका आंसर है। फिर इक्वस बर्केली इज द साइंटिफिक, इक्वस पता है आपको कि क्वाइन से रिलेटेड है, और बर्केली मतलब या तो हॉर्स हो सकता है, अब हॉर्स कैबुलस का हमें पता है, और एस था एसुनस का, ये दोनों तो नहीं होंगे, तो बच्चा जिब्रा और बफेलो। बफेलो है नहीं क्योंकि इक्वाइन से शुरू हो रहा है, तो आंसर हमारे पास जिब्रा ही बचता है। अब याद कैसे करेंगे, ये इक्वाइन कैबुलस और इक्वाइन एसुनस और इक्वाइन बुशेली, तो ये तो देखिए, या तो आप इसको रट्टा मार लीजिए, नहीं हो रहा है याद, तो यहाँ से तो भी लॉजिक है कि देखिए जेब्रा के ऊपर छल्ले होते हैं, तो यहाँ पे अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको इक्वाइनस पर छल्ली है ना, बहुत आसान है जेब्रा। नेक्स्ट एम्बिलिका ऑफिशियलिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। पीपल का है, या मैंगो का है, या आमला का है, या ड्रमस्टिक का है। अब एम्बिलिका ऑफिशियलिस को यहाँ साउंड आ रहा है तो वो देख लीजिए, पीपल, मैंगो, आमला। आमला का एम्बली इम्बला साउंड आ रहा है, तो वही आंसर है इसमें। एम्बिलिका ऑफिशियलिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आमला। नेक्स्ट है रोडेंशिया स्केरस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। रोडेंशिया स्केरस रैट का है, चूहे का है, या प्लेटिपस का है, या स्क्विरल का है, या बीवर का है। ये साउंड इसमें स्केरस में, ये स्केरस है अगर बोलेंगे इसको ऐसे, तो सीरियल सी साइलेंट हो जाएगा यहाँ पे, सीरियस हो गया। स्केरस अगर पढ़ेंगे इसको तो स्क्विरल का साउंड आ रहा है, स्क्विरल होता है आपका गिलहरी, ठीक है। तो गिलहरी का जो नाम होगा वो रोडेंशिया स्केरिश। फिर है एजरिकाटा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। देखिए यहाँ पे जो डी है, ये डी साइलेंट हो जाएगा जब इसको बोलेंगे आप, एजरिकाटा इंडिका। अब एजरिकाटा इंडिका ये क्या है, कि क्या ये नीम का है, क्या ये टीक का है, क्या ये सिल्वर ओक का है, या तुलसी का है। अब देखिए ये मुझे याद रहते हैं मेनली, तो एजरिकाटा है नीम का, तो आपको ये कोशिश करना है कि ये याद हो जाए, नीम कुछ इससे रिलेट कर लीजिए, एजरिकाटा या नीम कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैंगीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। मैंगीफेरा में देखिए साउंड आ ही रहा है यहाँ पे मैंगो का, तो ये मैंगो इसका राइट आंसर है, ये बहुत ईजी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है इतना बड़ा। नेक्स्ट है पैंथेरा टाइग्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। अब देखिए इसमें पहली बात तो पैंथेरा टाइग्रिस में दो नाम आ रहे हैं, तो वेल और गूट तो कैंसिल हो जाएगा, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि पैंथर इसमें साइंस है, साथ में दिया हुआ है टाइगर। अब इसका टिग्रिस का आंसर देखिए, टाइग्रिस अगर बोल दें बोल देंगे तो इसका आंसर तो है टाइगर, लेकिन आपको पैंथर का भी पता करना है गूगल से, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना करें, कि क्योंकि पहले वर्ड में यहाँ पे जो पैंथेरा दिया हुआ है इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन पैंथेरा टिग्रिस ना साइंटिफिक नेम है आपके टाइगर का। नेक्स्ट है फेलियस कैटुलस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। अब देखिए ऑप्शन में फेलियस कैटुलस में अगर कोई साउंड आ रहा है, तो कैट, डॉग, माउस, पोर्क्यूपाइन, तो देखिए कैट का साउंड आ रहा है, तो हमारा आंसर है फेलियस कैटुलस, फेलियस कैटुलस का है कैट। अब आप कोशिश करिए कि डॉग का, माउस का और पोर्क्यूपाइन का भी साइंटिफिक नेम गूगल से सर्च करके याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है एनोना स्क्वामोसा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। अनोना स्क्वामोसा, स्क्वामोसा देखिए कस्टर्ड एप्पल का है, या पपाया का है, या बबूल का है, या ड्रमस्टिक का है, आंसर है कस्टर्ड एप्पल, एनोना स्क्वामोसा, ठीक है। सेब का साउंड आ रहा है, वहां से आप याद कर सकते हैं इसमें। फिर कैनिस फैमिलियरिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैट, डॉग, फॉक्स। एक और जो लॉजिक है वो समझाता हूँ आपको, जहां पे फैमिलियरिस आ जाए किसी भी ऑप्शन में, फैमिलियरिस का मतलब होता है ऐसे पशु या पक्षी जिनको पाल लिया गया हो, मतलब जो पालतू हो गए हो, ठीक है, जिनको डोमेस्टिक बोलते हैं ना, जो घरों में जिनको पाल लिया गया हो, डोमेस्टिक।
ऐसे होते हैं फैमिलीज, अब कैनियस फैमिलीज। अब इससे देखो, पहले तो साउंड देख लो किसी का आ रहा है तो ठीक है। ऑप्शन है इसका डॉग। अब मैंने ये फैमिली रिस्ट से आपको पता चल जाएगा, देखिए ना तो फॉक्स कभी भी पाली जाती है, ना ही वुल्फ भेड़िया पाला जाता है, या तो कैट पाली जाती है। डॉग कैट का हमने पहले कर ही लिया था, कैटुलस का साउंड था। यहाँ पे कैनियस फैमिली रिस्ट यानी कि आंसर है डॉग। बहुत ईजी है, याद आपको रह जाएगा अब ये। फिर है म्यूजा पैराडिजिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच प्लांट, पौधे का जो नाम है साइंटिफिक वो म्यूजा पैराडिशिया है। मैंगो का है, वीट का है, कॉर्न का है, या बनाना का है। अब देखिए इसमें याद करने का इसका आंसर तो है बनाना, केला। लेकिन याद करने का तरीका कैसे करेंगे, एक चीज आप ध्यान कर सकते हैं कि पैराडाइज है ये। पैराडाइज का मतलब देखिए, दो ही फ्रूट होते हैं जो मतलब कंप्लीट फ्रूट बोले जाते हैं मेनली। एक तो वॉलनट है, अखरोट जिसको बोलते हो, एक बनाना। अपने आप में मतलब हर चीज में रिच होते हैं, आपके मिनरल्स में, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब में। तो ये म्यूजा पैराडिशिया पैराडिस के बनाना से याद कर सकते हैं आप। फिर एलियम सेपा, एलियम सेपा किसका नाम है, कैरेट का है, टोमेटो का है, पोटैटो का है, या अनियन का है। अब इसका आंसर तो देखिए अनियन है। कैसे याद करना है वो एक छोटा सा लॉजिक है। नॉर्थ इंडिया में क्या करते हैं कि जो अनियन है उसको आल की प्याज भी बोलते हैं, है ना, जो कच्ची होती है, उससे आप अलियम से आल की प्याज याद कर सकते हैं। बहुत ही बेवकूफ सा लॉजिक है, लेकिन जितना बेवकूफ लॉजिक होगा उतने ही याद रहेगा। अभी आल की अलियम सेपा आप कभी भी नहीं भूलेंगे, अनियन। ठीक है, नेक्स्ट है एकेशिया अरेबिका। एकेशिया अरेबिका किसका है, क्या ये नीम का है, क्या ये टीक का है, क्या ये बबूल का है, क्या पॉमग्रेनेट का है। अब देखिए आपने अगर फॉलो किया है वीडियो अभी तक, तो ना तो ये नीम का है, ना ही ये पॉमग्रेनेट का है, क्योंकि उन दोनों के दोनों एजरिकाटा था और पॉमग्रेनेट में ग्रेनेट फाउंड था। ये टीक का है या बबूल का है। अब बबूल तो आंसर है, मतलब टीक पर होती है। ठीक है, लॉजिक कैसे याद करेंगे, देखिए के ए सी बहुत सारा है इसमें, देखिए कीकर का साउंड वहां से आ सकता है, आपको फिर इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर कैनिस वेल्पस। कैनिस वेल्पस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, कैनिस वेल्प्स है जो साइंटिफिक नेम है, वो डॉग का है, वुल्फ का है, फॉक्स का है, हिना का है। डॉग का तो है नहीं, हमने अभी फॉलो किया है। इसका आंसर है फॉक्स। अब फॉक्स को कैसे याद करेंगे कि कैनिस वुल्फ से, तो फॉक्स क्या होता है, आपकी चालाक होती तो चालाक में आपका कनिंग होता है मेनली, एक कनिंग लेवल पहुंच जाता है, तो वो उससे याद कर सकते हैं आप रिलेट करके इसको। नेक्स्ट है बोविडे ओवियस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, बोविडे ओवियस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गोट का है, काऊ का है, बुफेलो का है, या शीप का है। अब नाम में साउंड देख लीजिए किसी का आ रहा है अगर, तो आंसर है इसका शीप। आंसर है इसका शीप, फोर्थ, शीप, भेड़, बोविडे ओवियस। अब बोविडे से देखिए, बोविडे भेड़, बोवड़े बोवड़े, अगर इसको साउंड करेंगे तो आ ही जाएगा आपका आंसर। लॉजिक आपको याद करना है, ऑप्शन में से जितने इजिली आप स्ट्राइक आउट कर पाएंगे इतना इजी से याद हो पाएगा। फिर नेक्स्ट है रोडेंशिया मुरिड, रोडेंशिया मुरिडी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, रोडेंशिया स्क्विरिस तो था आपका स्क्विरल का, वो तो पहले हमने कर लिया। ठीक है, तो म्यूरिडी रोडेंशिया इसका साउंड आ रहा है इसमें, देखिए मंकी या लिजर्ड। अब आपका मंकी लिजर्ड तो आ नहीं रहा साउंड, मंकी हो सकता है या फिर माउस हो सकता है। अब साउंड क्योंकि रोडेंशिया है, तो वही होगा जो इस प्रजाति का जानवर हो जो गिलहरी जैसे है, तो वो होगा आपका माउस। चूहे का है वो रोडेंशिया मुरडी, आपका राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है आर्बोरियल एटिलिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी नाम है। आर्बोरियल एटिलिस मेनली आपका स्पाइडर मंकी का है ये नाम, ये याद हो ही जाएगा आपको। स्पाइडर मंकी अगर आपने नहीं देखा है तो गूगल में एक बार सर्च करके फोटो देख लीजिए, उससे याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनानास कॉमोसस। अनानास कॉमोसस ये कस्टर्ड एप्पल का है, ये पाइनएप्पल का है, ये बैम्बू का है, या पोमग्रेनेट का है। अब देखिए पाइनएप्पल को जो नॉर्थ इंडिया में हम बोलते हैं अनानास, हिंदी में, तो यहाँ से आपको ये साउंड आ रहा है, तो आंसर आपको मिल गया इजिली, पाइनएप्पल का है, अनानास कॉमसस। नेक्स्ट है ओकिमम टेनुफ्लोरम।
इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, नीम का है या मैंगो का है या बबूल का है या तुलसी का है? ये है तुलसी का। देखिए तुलसी का ये टेनु फुलोरम, इसमें साउंड अगर आया है धीरे से तो आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है ये, देखिए लिस्ट है पूरी, अगर जो भी आपने नहीं देखे होंगे जो रह गए होंगे इसमें, जैसे पिग का नहीं था, कैमल का नहीं था, बैक्टेरियन कैमल नहीं था, बुफेलो नहीं था, एलिफेंट नहीं था, लाइन का मैंने बताया था, देखिए लियो यहाँ पे है, ठीक है, और डोमेस्टिक डॉग में फैमिली रेस आ गया है यहाँ पे, या डोमेस्टिकस आ गया है यहाँ पे, ये सारे नाम इजीली इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। आगे ये है, और जो फूलों के, सॉरी पौधों के नाम है ये, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, बार्ले इम्पोर्टेंट है, बार्ले होता है जौ आपका, जिससे शराब भी बनती है, ब्लैक पेपर का है, पाइपर नाइग्रम ये इम्पोर्टेंट है, कैरेट है, कैशू नट है, क्लव, सिसगम अरोमेंटकम इम्पोर्टेंट है नाम, कोरिएंडर धनिया, कोरिएंडरम बहुत आसान है ये, कुकुम्बर कुकुमर्स, चीकू का है, ऑक्रस सपोटा। अब सपोर्टा आपको पता है, देखिए इंग्लिश में इसको चीकू को सपोर्टा बोलते हैं, सपोर्टा का जो जूस होता है, तो वहाँ से आपका ये नाम आंसर इजी है। फिर है आगे इसमें रोज का है, रोजा बहुत आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है, सैंडलवुड का सैंटलम अल्बम है ये भी आसान है, स्पिनच पालक का है, लैक्टुक का, देखिए लैक्टिक एसिड होता है ये, उससे याद कर सकते हैं, टोबैको का है, निकोटिन टोबैकम ये आसान है बहुत। नेक्स्ट ये भी लिस्ट आप सकते हैं जो भी हमने कवर करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट एंड शेयर द वीडियो, फ्री एजुकेशन का पार्ट है, और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट और लोगों को